नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों सोनालिका DI 60RX का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ही। वीडियो कैसा लगा ये देख करके पूरा आप जरूर बताइएगा कमेंट से। दोस्तों ये है सोनालिका DI 60RX CM सीरीज और यहाँ पे मल्टी स्पीड DLX की बैचिंग है। और सामने की तरफ से हेडलाइट्स देखिए आप सबसे पहले, ये बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स हैं इसमें। और यहाँ साइड में आप देख रहे हो दोस्तों DRL है और ये मैंने अभी ऑन किया है इसे, तो देखिए कि काफ़ी ब्राइट है ये। अभी इधर धूप है उसके बाद भी हम लोग इतने अच्छे से देख पा रहे हैं। और कुछ इस तरह से साइड लुक है ट्रैक्टर का। और यहाँ पे सिकंदर HTM ऐसे कुछ बैजिंग है। 60 कैटेगरी, हाई टॉर्क 230 Nm और हाई पावर इंजन 2100 RPM, यानी कि इसमें 230 Nm का टॉर्क आता है। 60 HP पावर ये प्रोड्यूस करती है ट्रैक्टर और यहाँ पे 2100 RPM तक के काम कर सकता है इंजन। ये वाला जो इंजन है दोस्तों इसमें 4 सिलेंडर का, 4000 CC का इंजन है इसमें, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी इंजन है। 4 सिलेंडर का इंजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस और वाइब्रेशन नहीं होगा इसमें और काफ़ी स्मूथली इससे आप अपना काम कर पाएंगे, चाहे वो ट्रॉली को खींचने का काम हो या फिर आपको हल चलाने का काम हो। तो आज हम लोग इस ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से इसका बैठने की जगह है और ये लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पे, LED लाइट मिलती है आपको। इंडिकेटर जो यहाँ पे है, रुकिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे, इंडिकेटर भी यहाँ पे LED में मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। सामने से इंडिकेटर आपको वहाँ फेंडर पे ही मिलते हैं और इस तरह से आवाज़ भी करते रहते हैं, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और ये इस तरह से बंद हो जाएंगे। तो ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा लगता है। सिकंदर हैवी ड्यूटी माइलेज, वही सेम बैजिंग दोनों साइड पे लगा रखा है। तो कुछ इस तरह से इसका इंजन दिखता है और ये देखिए यहाँ पर यही वो इंजन है 4000 CC का। और इसमें ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाटर सेपरेटर है। जैसे कभी कभी फ्यूल में क्या होता है कि डीजल में जब यहाँ से हम भरते हैं, 65 लीटर्स का दोस्तों यहाँ पे डीजल टैंक है, तो उसको जब हम डीजल भरते हैं तो कहीं कभी पानी वगैरह चला गया उसमें, तो वो यहाँ से सेपरेट होकर और फिर जाएगा फ्यूल पम्प के पास। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसमें। और ये दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका पावर स्टीयरिंग वाला सिस्टम इसमें आता है। तो मतलब जब आपको चलाना होगा कहीं रोड पे या खेत में, तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होगा इसे ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे इसका टायर साइज़ एक बार आपको दिखाते हैं, तो 750/16 इंच का ये जो रिम है। और कुछ टायर प्रोफाइल आप इस तरह से चेक करिए, ऐसे चौड़े चौड़े टायर मिलते हैं इसमें। और पीछे के टायर्स अगर आप देखें तो पीछे दोस्तों देखिए यहाँ पर 16, 9, 28 यानी कि 28 इंच के ये बड़े बड़े स्टील रिम्स हैं। और यहाँ पे ये टायर का जो प्रोफाइल है बहुत ही तगड़ा अच्छा खासा है। और एक बार ये भी आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये टायर साइज आपको बड़ा ही मैसिव सा साइज है भाई, मेरे लगभग कंधे से थोड़ा ही कम है ये, तो काफ़ी ऊंचा भी है। और ऐसे बड़े बड़े टायर्स होते ही हैं ट्रैक्टर में, चूँकि ऐसे जगहों पर चलना होता है तो ग्रिप बनाने के लिए ऐसा बड़ा इसमें पैटर्न चाहिए होता है। तो ये इसका टायर साइज है। और इसमें आप भी सोच रहे होंगे ब्लैक ऊपर से व्हील के क्या लगा हुआ है, तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा लोड दिया गया है अधिक ग्रिप बनाने के लिए इसके व्हील को। तो ये 34 kg का यहाँ पे इस साइड में भी है और दूसरी साइड में भी ऐसा ही एक लोड लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये मिल जाता है आपको दोनों साइड में। अब आइए थोड़ा इसका, पहले आइए थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं। पीछे से दोस्तों, पीछे भी वही आपको LED इंडिकेटर, LED ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर और रिवर्स PTU का भी इसमें है ऑप्शन, ये बता रहा है। और यहाँ से इसका PTU आप देख सकते हैं। और ये इसकी लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि 2000 किलो तक का वज़न उठा सकती है बड़े आराम से। और कुछ इस तरह से इस पर आप पीछे से भी चढ़ सकते हैं, वैसे तो आगे से चढ़ना चाहिए ड्राइवर को। और ये इसमें लगा हुआ है एक रॉड जो कि दोनों ही साइड के इनको जोड़ देता है ताकि वाइब्रेशन इनमें भी ना हो, ये वाइब्रेशन को ही कम करने के लिए लगाया जाता है। और ये इसके हाइड्रोलिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लीवर है। और ये इसके आप देख सकते हैं ये जो लीवर्स हैं कंट्रोल करने के लिए लिफ्ट को। तो कुछ इस तरह से इसमें चीज़ें मिलती हैं। पीछे की तरफ एक आपको लाइट भी मिल जाती है जो कि रात में अगर आप काम कर रहे हैं
तो इस तरह से इसे जला सकते हैं। हैलोजन लाइट है ये, और एक छोटी सी लाइट यहाँ पे भी है, और फिर से वही LED लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ट्रैक्टर में भी LED लाइट्स आ चुकी हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी ये लोग भी ऐड करते जा रहे हैं। तो इस पर चढ़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना होता है, आपको अपना पैर इस पर रखना है पहले, फिर ये यहाँ पे ये भी है पकड़ने के लिए, या फिर आप इसे पकड़ के चढ़ सकते हैं। और चढ़ते चढ़ते दोस्तों ये DC दिख रहा है, इसका मतलब है कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऊपर चढ़ते ही एक लीवर दिख रहा है, गियर लीवर, जिस पे LM और H लिखा हुआ है, यानी कि लो, मीडियम और हाई। तो ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, और ये तब तक आप देखिए PTO के लिए कंट्रोल्स हैं, और यहीं पे नीचे हैंड ब्रेक भी आपको देखने को मिल जाता है इसका, जो कि काफ़ी अच्छे से आप ऑपरेट कर पाएंगे बहुत ही स्मूथली। और यहाँ पे दोस्तों अब इसको देखते हैं हम लोग, लो, मीडियम और हाई जो गियर लीवर है, यहाँ से तीन टाइप के आप जैसा आपका लोड है काम करने का उस तरह से इसे आप उस गियर में डाल के और ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 स्पीड मिलती है, यानी कि 4 × 3 मतलब 12 टाइप के गियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ, तो हर तरह के लोड को, हर तरह के काम को आप इससे कर पाएंगे। और फॉरवर्ड और रिवर्स आप यहीं से करते हैं, और इस तरह का रिवर्स गियर इसमें आपको नहीं मिलेगा, वो इस ट्रैक्टर में यहाँ से ही इस लीवर से ही ऑपरेट होता है। रिवर्स गियर भी आप देख पा रहे होंगे, इस पर FR लिखा हुआ है ना, यहीं से ऑपरेट होता है रिवर्स गियर। रिवर्स में लेने के लिए इसको नीचे करना होता है, और फॉरवर्ड के लिए आगे करना होता है। और यहाँ से आप इसके एक्सेलरेटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और वैसे तो आप पैर से भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेलरेटर को। और ये आपके ब्रेक्स के लिए है, जो कि इसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं, और ये इसका क्लच है जो कि ड्यूअल क्लच वाला है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर इसका दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए यहाँ पर फ्यूल गेज है, ये ऑयल प्रेशर के लिए गेज है, और यहाँ पे जो है इंजन टेम्परेचर गेज, और ये बैटरी का गेज है साइड में, इंजन टेम्परेचर गेज और बैटरी का गेज, और बीच में इसका स्पीडोमीटर है, और जिसमें आपको आवर्स बताता रहता है कि कितने घंटे ये ट्रैक्टर चल चुका है। तो ये अभी काफ़ी नया ट्रैक्टर है, बहुत ही कम चला हुआ है, और कुछ इस तरह से इसमें 25 तक की मैक्सिमम स्पीड लिखी हुई है, लेकिन ये 35 के अराउंड इसकी टॉप स्पीड है। और यहाँ से इसका आप हजार्ड लैंप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये ऑन हो गया लैंप, और यहाँ से ही इसे आप बंद कर देंगे ऐसे, क्योंकि अभी हमें काम नहीं है। और यहाँ से हॉर्न ऑपरेट होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ड्यूअल हॉर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये लाइट इंडिकेटर्स के लिए, और ये लाइट वगैरह का कंट्रोल है, यहाँ से आप लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला जुला के कंट्रोल्स इसमें मिलते हैं। स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है, और ये यहाँ पे लट्टू भी मिलता है, जिससे कि आप अभी जब ट्रैक्टर ऑन रहेगा तो बड़े ही आराम से इसे आप चला पाएंगे। और यहाँ से डीजल भरना है, और ये इसमें पावर स्टीयरिंग का बैज भी एक मिल जाता है बोनेट पे। और ये इसका साइलेंसर है, और एक ये मिरर है जिसमें आप मुझे भी देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और बाकी दोनों साइड में भी आपको बढ़िया कुशन वाली सीट्स मिल जाती हैं, देखिए आप दोनों साइड में यहाँ पे, मतलब कोई आपके साथ हैं जिनके खेत में जाना है तो आप उनको भी बैठा के लेके, दो लोग को इधर और दो को इधर बैठा के लेके जा सकते हैं आराम से। और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, यानी कि जो ड्राइवर सीट है, ये भी आपको एडजस्टेबल सीट है बिल्कुल, इसकी हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और प्लास्टिक तो हम लोग निकालते नहीं हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। और इसमें एक बॉटल होल्डर भी है, और यहाँ पे एक आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए पिन भी मिल जाता है, जिसमें मिट्टी भर गया है, ट्रैक्टर पे बहुत कम ही यूज होती है ये सब चीज़ें। और ये एक रिफ्लेक्टर बड़ा सा पीछे लगा हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं ट्रैक्टर का, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और आपको बता दिया, और उसी हिसाब से ये वीडियो बनी हुई है। तो आई बिलीव कि आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।